बीजेपी की सरकार ने हमें इतना कर्जा दे दिया, हम तो उसको ढोकर चल रहे हैं। तो या तो विमल सिंह जी, उनसे मैंने राजस्थान का सवाल पूछ लिया, तो वो भी कह सकते हैं कि राजस्थान में आपने इतना कर्जा दे दिया, ढोकर हम चल रहे हैं, करेंगे इसको, सुधारेंगे। आप ऐसा सोचिए सर कि जिस स्टेट में आप सरकार चला रहे हैं, पहाड़ी राज्यों में शामिल है, जिसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन सभी पहाड़ी राज्यों में एकमात्र ऐसा राज्य हिमाचल है जिस पर इतना सबसे ज्यादा कर्जा है। कर्ज लेने की कैपेसिटी को आप लोग एग्जॉस्ट कर चुके हैं। आपने चुनाव से पहले जो ऐलान किए उनको अभी तक लागू किया नहीं है। मतलब जनता को आपने बनाया बेवकूफ, बातें आपने की देंगे मुफ्त रेवड़ियां, और जमीनी मुद्दों को आपने हवा हवाई कर दिया कि उस पर बात ना करनी पड़े। हम ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। हाथ में झुंझुना आ गया इन लोगों के। देखिए, आपके प्रश्न में ही विरोधाभास है। कैसे आप एक तरफ कह रही हैं कि आपने जो है वो कुछ भी नहीं किया, सरकार बनने के बाद कोई योजनाएं लागू नहीं की। हाँ। अगर हमने योजनाएं लागू नहीं की, हाँ, तो फिर वित्तीय स्थिति खराब कैसे होनी थी? अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हाँ, कि ये बंद कमरों में बैठकर, हाँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी के विमल सिंह जी कह रहे थे, आंकड़े दे रहे थे, हाँ, ये वातानुकूलित कमरों में बैठकर हिमाचल के आंकड़े नहीं आप दे सकते। आप उसके लिए हिमाचल प्रदेश की पूरी भौगोलिक स्थिति को देखकर जो है वो वहां पहले आना पड़ेगा। धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। आप इन आंकड़ों से बाहर आकर पहले हिमाचल का जीवन देखिए कि हमारे बीच में किस तरह का जीवन है। उस जीवन में लोगों की सुरक्षा के लिए मैं एक अहम प्रश्न आपके बीच रखा था कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने हमारा अभी तक जीएसटी का लगभग 3,000 करोड़ रुपया नहीं दिया। हमारे हर बजट को इन्होंने जो है वो कट कर दिया है, उसमें कम पैसा दिया जा रहा है। हमारे इन्होंने जो, मैंने कहा 12,000 करोड़ का नुकसान हमारा हुआ, लेकिन इन्होंने 1,200 करोड़ दिया। आप क्या ये बात भी इनसे पूछिए कि क्या हिमाचल प्रदेश का जो है वो देश का हिस्सा नहीं है? इनसे मैं ये सवाल ले लेती हूँ, इनसे मैं ये जवाब ले लेती हूँ, लेकिन ये बताइए कि जब आपने महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने देने का वायदा किया था, तो उसके हिसाब से 800 करोड़ रुपए सालाना हुआ आपने रिजर्व में रखा था क्या? ओल्ड पेंशन स्कीम का जब आपने वादा किया, उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए सालाना लगना था, आपने उसको क्या रिजर्व में रखा? 300 यूनिट फ्री बिजली जिसकी आपने बात की, 18,000 करोड़ रुपए उस पर खर्च होना था, आपने उसको रिजर्व में रखा क्या? ये सब आपका रिजर्व में था साहब, या आप केंद्र सरकार की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि चुनाव तो हमने जीता, वादे हमने किए, लेकिन पैसा आप दे दीजिए? देखिए, हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की तरह का काम नहीं किया कि ना हमने पहले बजट रखा, और बजट रखने के बाद आपके ध्यान में ला दूं, 5 गारंटियां जो हमने दी थी उनमें से ये 1,500 रुपए वाली जो गारंटी है, ये हम लाहौल स्पीति से शुरू कर चुके हैं, वहां की महिलाओं को मिल रही है। आप जरा लाहौल स्पीति जाकर देखिए कि बहुत अच्छी बात है सर, वायदा आपने किया, सरकार में आप आए तो देना तो आपको है ही ना, नहीं देना तो आपको है ही ना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आप समुद्र में एक बूंद की बात कर लीजिए, आप बाकी कर्जे का क्या करेंगे? और जो आपने सवाल पूछा विमल जी से, जल्दी से उसका जवाब ले लेती हूँ सर, फिर उसके बाद एक बार हेडलाइंस के लिए मुझे जाना होगा। विमल जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, और बहुत एप्ट क्वेश्चन है उनका, स्ट्रेट टू द आंसर आप जाइए। मैं, मेरे मित्र ने भी सवाल किया कि आप ग्राउंड पे आकर जो है देखिए। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग हमेशा ग्राउंड पे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हमेशा प्रधानमंत्री की योजना को लेकर हमेशा हम ग्राउंड के टच में रहते हैं। वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव विधानसभा की हारी भी थी तो 0.99% से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हिमाचल प्रदेश में जैसे आपने सारे वादे किए कि जो है मैनिफेस्टो में आपने कि हम जो है OPS लागू करेंगे, हम जो है महिलाओं को इतना पैसा देंगे, हम स्कूल खोलेंगे, लेकिन आपने वादा तो पूरा किया नहीं, और आप जो है चले गए घाटे में। आपने OPS लागू किया? OPS दिया। OPS कहाँ लागू किया? दे दिया। आपने 21 महीने में अभी तक तो OPS लागू नहीं किया है। महिलाओं को आज तक जो है खाते में 1,500 रुपए देंगे, 1 रुपया उनको दिया, स्टार्टअप के पैसे दे दिए हमने। आप कहाँ घूम रहे हैं? आप हिमाचल प्रदेश में आकर देखिए, यह ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हम 5 गारंटियां पूरी कर चुके हैं। एक भी गारंटी आपने पूरा नहीं किया है। OPS लागू हुआ है, जो सबसे बड़ी
आपने मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा लिखा था कि ओपीएस लागू करेंगे, इसी के चलते जो है आपकी सरकार आई वहां और उसके एम्बेसडर थे राहुल गांधी प्रियंका गांधी। हाँ, उसके एम्बेसडर थे राहुल गांधी प्रियंका गांधी। ओपीएस लागू किया है जो हिमाचल प्रदेश का, कहां लागू कर दिया, कैसी बात कर रहे हैं, कहां लागू कर दिया, कौन से राज्य के कौन से इलाके से शुरू कर दिया, ये भी बता दीजिए। क्या कह रहे हैं, कहां ओल्ड पेंशन स्कीम आपने लागू कर दिया, कहां से शुरू कर दिया, हिमाचल प्रदेश में। हाँ, कहां? जो पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया। हमने आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं, आप इसको आप जो अपडेट कीजिए अपने। अच्छा, आप को। हाँ, हमने हिमाचल प्रदेश में ओपीएस पहली कैबिनेट में क्लियर करके, और जो झूठ बोल रहे हैं पूर्णिमा जी, ओपीएस अभी लागू ही नहीं किया गया। अगर ओपीएस लागू किया जाता तो ये 87,000 करोड़ नहीं जाते, ये कम से कम 1.5 लाख करोड़ उससे ऊपर जो है चले जाते। कैसी बात कर रहे हैं, वो हमने जमा किया है, वो उनका जमा है जो हमारा हिस्सा स्टेट का हिस्सा बनता है, हमने उसको लागू किया है। आप ये नहीं कह सकते कि हमने लागू नहीं किया है, और आधा अधूरा नहीं, पूरी जो हमारी कमिटमेंट थी उसी। चलिए, मैं आपकी ये बात मान भी लेती हूँ, विमल जी मैं मान लेती हूँ, चलिए मैं मान लेती हूँ, जल्दी से 10 सेकंड में करिएगा फिर। प्रदेश, आप मुझे बताइए मेरे मित्र, की प्रदेश का जो बजट है 2023-24 को कितना है, आपका आंकड़ा ऑफिस से मैं निकाल लेता हूँ, बजट कितना है आपके प्रदेश? 58,000 करोड़ रुपया। अच्छा, इसमें से टोटल खर्चा कितना हो जाता है? टोटल खर्च हमारा जो है, अगर हम पूरा कर्ज जो आपने पिछली सरकार में लिया है, जो पिछली सरकार में, आप बताइए टोटल खर्च आप कितना, प्रदेश का साल का टोटल खर्च आप कितना कर लेते हैं? पिछली सरकार ने लगभग 31,000 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज लिया है। 58,000 करोड़ का टोटल आपका बजट है, 42,000 करोड़ रुपए जिसमें से आपका वेतन देने में, कर्मचारी का प्रदेश का वेतन देने में, पेंशन देने में और कर्ज चुकाने में 42,000 करोड़ रुपए आप जो है दे देते हैं। ठीक, शरद कोहली जी आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हमारे जो माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात कही कि हमने दिया है ओपीएस दिया है, हम मान लेते हैं ओपीएस दिया है, और उन्होंने उन्होंने ओपीएस भी दिया है महिलाओं को, उन्होंने कहा लाहौल स्पीति से शुरू कर दिया है, पर इंग्लिश में एक बोलते हैं एट व्हाट कॉस्ट, अगर आपने दिया है तो ये नौबत आ गई कि अब आपको तनख्वाहें अपनी छोड़नी पड़ रही, कल को बाकी के जो कर्मचारी है उनकी भी सरकार है। तो देखिए, जब जब किसी राज्य की वित्तीय हालत को देखते हैं तो उसको एक बैलेंस शीट के रूप में देखते हैं, उसको ब्रॉड रूप में देखते हैं। क्या इसके देने की वजह से, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि क्या इसके देने की वजह से किसी विकास की परियोजना पर असर पड़ा है, मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आप कर्मचारियों का वेतन नियमित रूप से दे पाएंगे, मेरा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या आप देश जो विकास की योजनाएं हिमाचल आने वाले 2-3 साल में करने वाला है, और जो क्षति बारिश से मानसून से पहुंची है, क्या उस क्षति की भरपाई हो पाएगी, क्योंकि हालत तो यह है कि फंड्स है ही नहीं। तो आपने ये तो दे दिया, वही तो मैं कह रहा हूं कि लोगों को एक हाथ से 10 रुपए दिए जाते हैं और दूसरे हाथ से उनके 100 रुपए का नुकसान हो जाता है। मैं यही आपको, जो आप कह रहे हैं, मैं इसी पॉइंट को आगे लेके चलना चाहता था कि आपने कहा मैंने दिया, हमने मान लिया दिया आपने, हालांकि दिया या नहीं दिया ये कंटेस्टेबल इशू है, पर हमने मान लिया, पर उसकी कीमत हिमाचल के लोगों को पूर्णिमा क्या देनी पड़ी, क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं है, अगर दिया भी है तो? बिल्कुल सर, दीपक जी इसका जवाब देंगे, और क्योंकि वो जो दिया नहीं दिया उसकी बात हो रही है, दीपक जी अपना जवाब दीजिएगा बस, क्योंकि आपने ओपीएस का जिक्र किया था, ओपीएस का साहब आपने जिक्र किया था, ओपीएस की बात पर आप बिल्कुल उसको आप लागू करने को लेकर आप ठीक है, लेकिन हाँ पैसा रिलीज तो जब होगा तब होगा, वो बात की बात है। अब अपनी बात को दीपक जी पूरा कीजिएगा। देखिए कोहली साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि हमने इसको दिया। मैं आपकी बहुत सी बातों से सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं और निस्संदेह आप जैसे गुणी लोगों के पूरे देश में ऐसे राज्यों को जरूरत है कि वो लोग आकर देखें। मैं आपके पास ये जोड़ना चाहता हूं, जो हमारी सरकार करने जा रही है, जो ये आज बाबेला हो रहा है कि हमारे लोगों ने 2 महीने के लिए अपना वेतन जो है वो विलंबित कर दिया, लेकिन ये एक भावना है, ये एक सिर्फ हमारी मूल भावना है प्रदेश को बताने की कि हम कितने गंभीर हैं, ये हमारी गंभीरता को दर्शाता है। दूसरी बात ये कि हिमाचल प्रदेश के पास अपने संसाधन जुटाकर 50,000 करोड़ रुपया सालाना आमदन करने की क्षमता है, जिस ओर ये सरकार काम कर रही है, और निसंदेह दीपक जी आप भी आएंगे
मैं आपको तीसरे वर्ष बुलाऊंगा कि आप आए और देखें कि हिमाचल प्रदेश ने अपने पैरों पर खड़े होना जल्दी से कैसे देश दीपक को दिखाया जी, दीपक जी ये बहुत अच्छी बात है, दीपक जी ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस नियत की बात कर रहे हैं साहब, मैं एक मिनट मुझे बाकी मेहमानों के पास भी दीपक जी जाना है क्योंकि जल्दी से 10 सेकंड में फिनिश कीजिए, एक मिनट का समय चाहिए आपसे। दीपक जी मैं सिर्फ आपकी एक बात का जवाब दे दूं, आपने कहा आपकी भावना है, हाँ। तो क्या इस भावना के रूप में आप हिमाचल की जनता को यह बताना चाहते हैं कि देखो हमारे पास पैसे नहीं है, हम अपनी तनख्वाह छोड़ रहे हैं? भावना तो ये खंड में होती है दीपक जी, अगर आप इसको इसमें मैसेज क्या जा रहा है? नहीं नहीं, हमने इसको लागू किया है जो आप कह रहे हैं ना कि हमने बिजली के बजट में बिजली में फ्री बीज में बिजली में हमने जो आयकर देने वाले लोग हैं इनकम टैक्स पे ही हैं उनको बंद कर दी है, हमने उन लोगों को दिया है जो बिल्कुल गरीब वित्तीय स्थिति में है, जिनको दीपक जी, दीपक जी एक सेकंड शरद जी प्लीज रोकना चाहूंगी, दीपक जी जो अभी आप जिक्र कर रहे हैं और आपकी नियत की बात कर रहे हैं, मैं फिर भी उस नियत को लेकर हैंडशेक है सर और आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन उस नियत के साथ साथ नीति भी होनी चाहिए और तभी वो नियत नीति के तौर पर लागू हो पाएगी, बस इतनी सी बात है।